हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे टेक्निकली स्मार्ट चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो आते हैं 15,000 के बजट में। तो अगर आपका बजट 15,000 के अंदर है तो आप इन गेमिंग स्मार्टफोन्स के साथ जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारे 5 नंबर पर स्मार्टफोन है वो आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी 10 प्राइम। इसकी डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी बेहतर है। बात करते हैं इसके प्रोसेसर को, तो ये आता है मीडिया टेक का हेलियो Z8, जो काफ़ी बढ़िया गेमिंग प्रोसेसर माना जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की LCD डिस्प्ले मिलती है, 90 हर्ट्स जो इसका रिफ्रेश रेट होने वाला है। और प्रोटेक्शन की बात करें तो Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। रही बात बैटरी की, तो बैटरी आती है 6000 mAh के साथ। और इसकी कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा इसमें मिलता है, जो काफ़ी बेहतर होने वाला है इस मोबाइल के साथ। और रही बात इस मोबाइल का प्राइस की, तो ये आपको 15,000 के आसपास में देखने को मिलेगा, जिसका वेरिएंट है 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ। चलिए चलते हैं अगले मोबाइल फ़ोन की तरफ। जो हमारा चौथे नंबर पर स्मार्टफोन है वो आता है पोको की तरफ से, जो काफ़ी बेहतर होने वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बात करते हैं पोको M3 प्रो 5G स्मार्टफोन है, 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज आता है, जो है 15,000 के आपके देखने को आपको मिलेगा, जो काफ़ी बेहतर प्राइस के अंदर आता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडिया टेक का Dimensity 700 है, जो काफ़ी बेहतर है। और फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। बात करें इसकी बैटरी की, तो 5000 mAh के साथ आता है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जो काफ़ी बेहतर है। चलिए चलते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। जो हमारा तीसरे नंबर पर स्मार्टफोन है वो आता है Redmi Note 10s, जो काफ़ी बेहतर स्मार्टफोन है गेमिंग के लिए। आप देख सकते हैं इसका लुक, काफ़ी लुक वाइज ये फ़ोन बेहतर होने वाला है। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये आता है, इसमें लगा प्रोसेसर है मीडिया टेक का हेलियो Z95, जो काफ़ी बेहतर प्रोसेसर गेमिंग के लिए फ़िलहाल माना जा रहा है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 35 वाट का फास्ट चार्जर इसमें आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा बैक में आपको आता है। और फ्रंट की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा इसके साथ आता है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो 15,000 के आसपास में मिलेगा, 6 64 GB स्टोरेज के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे नंबर के स्मार्टफोन की तरफ। जो हमारा दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन है वो आता है सैमसंग की तरफ से, जो काफ़ी बेहतर होने वाला है गेमिंग के लिए, Samsung Galaxy F41। प्राइस की बात करें तो 15,000 के आसपास में आपको 14,500 के आसपास में देखने को मिलेगा ऑफर के साथ। प्रोसेसर की बात करें तो Exynos 9 के साथ ही आता है। और डिस्प्ले की बात करें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 6.4 इंच की डिस्प्ले है, जो काफ़ी बेहतर है गेमिंग के लिए। ब्राइटनेस की बात करें तो 420 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी इसके साथ आती है। और कैमरा की बात करें रियर में, तो 64 मेगापिक्सल के साथ आता है क्वाड कैमरा। फ्रंट की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में आपको कैमरा देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे फर्स्ट जो हमारा स्मार्टफोन है इस गेमिंग के कंपैरिजन वाले वीडियो में, तो है रियलमी 8, जो काफ़ी बेहतर होने वाला है इन सब मोबाइल फ़ोन्स के साथ। इसकी जो प्राइस की बात करें तो 15,000 के आसपास में आपको ये देखने के मिलेगा। प्राइस अगर ऑफर चलता है तो 14,500 के आसपास में इसका प्राइस होता है। तो बात करें इसकी प्रोसेसर की, तो इसमें आता है मीडिया टेक का हेलियो Z95, जो काफ़ी बेहतर है गेमिंग के लिए। डिस्प्ले की बात करें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 6.4 इंच की इसमें आपको
डिस्प्ले मिलेगी। और कैमरा की बात करें तो बैक साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा। Real me, dare to be. सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें मिलता है। 16 मेगापिक्सल का इसके फ्रंट में कैमरा है और बैक बात करें तो 64 मेगापिक्सल के साथ आता है क्वाड कैमरा में। इसमें इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले है आप जो सभी फ़ोन से इसको अलग बनाता है, तो काफ़ी बेहतर है ये मोबाइल गेमिंग के लिए। बात करें इसकी 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ जो इसका MRP है, प्राइस है, जो ये आता है 17,000 के आसपास में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ऑफ़र में ये मोबाइल आपको 16,000 के आसपास में पड़ सकता है। तो आप देखते रहिए ऑनलाइन, इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लेना है तो आप नियरेस्ट आप जो ऑफलाइन शॉप है वहाँ से आप संपर्क करके ले सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर लें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।